नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एबीएस किचन रूम में। दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ नारियल की बर्फी। दोस्तों इसे बनाना काफ़ी ही आसान है और ये काफ़ी स्वादिष्ट भी बनता है, और इस पारंपरिक मिठाई को हम लोग कुछ ही सामग्री में बनाएंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि नारियल जो है वो हमें इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, तो आपको एक बार नारियल की बर्फी बना करके ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो देर ना करते हुए ये रेसिपी देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया नारियल और इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अब एक मिक्सी जार ली हूँ और इसमें नारियल के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों करके इसमें डाल ले रहे हैं ताकि ये अच्छे से पिस जाए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये एकदम फाइनली चॉप हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं चम्मच में लेके आपको दिखा रही हूँ, एकदम फाइन जो है यहाँ पे हमारा नारियल पीस गया है। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ एक पैन, और पैन को एकदम गर्म कर लेंगे दोस्तों, और इसमें फिर नारियल को हमें हल्का सा भून लेना है। तो यहाँ पर मैं नारियल ऐड करके अब इसे भूनूँगी। गाइस इसे हम चलाते हुए कम से कम एक मिनट तक भून लेंगे और इसमें गोल्डन कलर जो है वो आ जाएगा। ये देखिए थोड़ी देर बाद ही इसमें हल्का सा गोल्डन कलर जो है वो आ गया है। इसे हम हल्का हल्का सा चला ले रहे हैं ताकि चारों तरफ एकदम अच्छे से हमारा जो नारियल है वो अच्छे से तैयार हो जाए। जैसे ही भून के तैयार हो जाएगा उसके बाद हम आगे की रेसिपी देखेंगे। ये भून चुका है और अब मैं इसे निकाल लूंगी। दोस्तों हमने इसे अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी पैन में मैं ऐड कर रही हूँ खोया। दोस्तों खोया को मैंने पहले ही घर पे तैयार करके रख दिया था, उसे ही मैंने इस पैन में ऐड कर लिया है। अब इसे हल्का हल्का सा चला रही हूँ। अब साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे शक्कर। देख सकते हैं आप शक्कर की मात्रा कितनी ज़्यादा है। ये देखिए अब इसी तरीके से हम लोग इसे चलाएंगे। ये देखिए सटने मत दीजिएगा इसे बिल्कुल भी, पैन पे चलाते रहिएगा लगातार, और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि खोआ का जो है वो रंग थोड़ा सा पीला टाइप का हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों थोड़ी देर में जैसे ही जो चाशनी है वो खोआ के साथ मिली तो इसका रंग भी बदल गया, और यहाँ पे अब मैं उंगलियों की मदद से चेक की कि वो थोड़ा सा चिटचिटा दिख रहा है, इसका मतलब कि वो उसमें अच्छे से चीनी मिल गई है। अब मैं इसमें वो भुने हुए नारियल्स को डाल ले रही हूँ और अब इन तीनों सामग्री को अच्छे से चला लेंगे दोस्तों, ताकि हमारा अच्छे से खोया और नारियल जो है वो मिक्स हो जाएगा। नारियल की बर्फी बड़ी ही पारंपरिक तरीके से बनाई जा रही है और इसे खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगती है दोस्तों। ये देखिए मैं लगातार इसे मैश करती जा रही हूँ, इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि इससे इसे चिपकने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, इसीलिए लगातार इसे चलाते रहना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों थोड़ी देर बाद ही ये तैयार हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इसके बाद अब हम इसे पूरे बर्तन पे फैला लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक स्पैटुला की मदद से इसे पूरे तरीके से फैला रही हूँ। ये देखिए चारों तरफ से
इसे हल्का हल्का सा दबाव बनाते हुए इसे फैलाते रहेंगे। तो दोस्तों इसे हमने अच्छे से बर्तन पे फैला लिया है और इसे एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। एक घंटा हो गया दोस्तों, अब हम इसे काट कर बर्फ़ी का शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे चाकू की मदद से इसे आराम से काट रही हूँ। सबसे पहले इसे सीधा आकार में काटना है और उसके बाद फिर चौकोन आकार में काटेंगे। बर्फ़ी का शेप देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा करके मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए, अब जैसे ही मैं इसे चाकू की मदद से निकाल रही हूँ तो अब आपको इसका शेप देखने को मिलेगा कि कितना सुंदर हुआ। यहाँ पे मैं एक दूसरे प्लेट में इसे निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ना एकदम बर्फ़ी का शेप, कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों जितना ये दिखने में सुंदर है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है। तो एक बार घर पे जब बना के ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे तो इसे मांग मांग के खाएंगे। ये देखिए दोस्तों, तो तैयार है नारियल की बर्फ़ी। दोस्तों आपने देखा है कि ये नारियल की बर्फ़ी कितने कम सामग्री में और कितनी आसानी से तैयार हो जाती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।